आपको क्लिप दिखाता हूँ जाकिर नायक की, फिर उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए बने रहेगा। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। What does Modi know about Hindu scriptures? Let us have a dialogue, me and Modi. Come on, we'll talk about Veda. If you talk me so much about Hindutva, what does he know about Hindutva? इसमें आपने सुना है थोड़ी छोटी सी क्लिप है, इंटरव्यू थोड़ा बड़ा था, जो जिस बात पे मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ उस बात के हिसाब से मैंने क्लिप निकाली, और ऐसा नहीं कि आगे पीछे कुछ और कहा है और मैंने सिर्फ वही क्लिप निकाल के आपको मैनिपुलेट करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। आप चाहे तो इंटरव्यू पूरा देख सकते हैं, यूट्यूब पे है। इसमें जो कह रहे हैं आपने समझ लिया होगा, मोदी जी को हिंदुत्व के ऊपर चैलेंज कर रहे हैं कि मैं और वो बैठ जाएं और समझ लें कि हिंदुत्व क्या होता है। मतलब ये हिंदुत्व ज्ञान मोदी जी को देना चाहते हैं और इनको ज़्यादा पता है मोदी जी से हिंदुत्व के बारे में। मोदी जी को कितना पता है वो किसी को नहीं पता, लेकिन इनको तो सिर्फ उतना ही पता जितना इन्होंने किताबों में पढ़ा है। और रही बात किताबों की, तो आप मुझे अपने धर्म के बारे में यानी इस्लाम के बारे में एक चीज़ बता दीजिए कि आपकी वीडियो से इंस्पायर होके, क्योंकि आप तो वही बातें बताते हैं जो आपकी किताबों में लिखी होती हैं, आप वही गाइड करते हैं जो आपकी किताबों में लिखी होती है। अगर ये बात सच है तो कमेंट में कोई मुझे बता दे कि हाँ ये सच है कि ये किताब से ही गाइड करते हैं। आप जो अपनी गाइडेंस, अपनी जो सेइंग्स, अपनी जो स्पीचेस देते हैं यूट्यूब पे चाहे जहाँ भी वायरल हैं या जो भी है, क्यों ऐसा हुआ कि जो टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट करने गया था उसने आपकी वीडियो देखी है, वो आपकी वीडियो से इंस्पायर हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज़ में आया था, वो इंस्पायर हुआ, उसने आपकी वीडियोस लगातार 10 दिन 15 दिन तक देखी वो चीज़ करने से पहले, तो क्या टेररिस्ट इंस्पायर होते हैं और इंस्पायर होके भी बम ही फोड़ते हैं, टेररिज्म ही फैलाते हैं, ये कैसा इंस्पिरेशन हुआ? दूसरी चीज, जैश ए मोहम्मद का क्या मतलब है? मैं पॉज ले रहा हूँ, कोई चाहे तो कमेंट कर दे, खैर छोड़ो। जैश ए मोहम्मद का ये मतलब है मोहम्मद की फौज, मोहम्मद साहब यानी कि आपके पैगंबर। अब मोहम्मद की फौज आतंकवादियों का एक संगठन है, तो इस्लाम का मतलब कोई क्या समझे? तो जिस धर्म में इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिस धर्म को इतना मॉडिफाई करके अपने हिसाब से कभी भी कोई मोल्ड कर लेता है, उस धर्म को फैलाने वाला कोई एक ऐसा व्यक्ति हिंदुइज्म पे ज्ञान दे तो वो जचता नहीं। आप मोदी जी से बहस करने से पहले भारत के किसी भी एक व्यक्ति से या मुझसे या किसी से भी, किसी भी एक हिंदू से, क्योंकि हिंदुइज्म पे ही आपको ज्ञान चाहिए और देना है आपको, तो आप हिंदुइज्म का ज्ञान मुझे दे दीजिए, मैं समझ लूँ आप क्या समझते हैं हिंदुइज्म से। और इस्लाम के बारे में मुझसे भी कुछ डाउट हैं, मुझसे भी सुन लीजिए और मेरे भी डाउट्स क्लियर कर दीजिए। मुझे और ज़्यादा आपसे सीखना नहीं है, सीख के लोग क्या करते हैं ये मुझे पता है, मुझे बस मेरे डाउट्स क्लियर कर दीजिए, मेरे जो सवाल हैं उसका जवाब दे दीजिए। अगर कोई चाहे तो कमेंट कर सकता है मुझे, कमेंट में ही मैं अपने सवाल बता दूंगा। और रही बात मोदी जी की, जिसके आने से आप डर रहे हैं, जिसके आने से मुसलमान डर रहा है, मतलब बहुत लोग असदुद्दीन ओवैसी बहुत बातें फैला रहे हैं भाई कि मुसलमान डरा हुआ है, आप ही की किताब में या आप ही के धर्म में ये कहा जाता है रब्बुल आलमीन, ये मैंने काफ़ी सुना है, पुष्पेंद्र जी से इंस्पायर होकर सुना है और नेट पर भी इसका असली मतलब देखा। ऐसा नहीं कि पुष्पेंद्र कुछ भी कहते हैं तो उनकी बात मान लेता हूँ, मैं नेट पर ढूंढ लेता हूँ क्योंकि नेट से ही मिल सकता है, मैं कुरान उर्दू में तो समझ नहीं सकता, अरबी में तो समझ नहीं सकता, तो नेट पर ढूंढा मैंने। रबुल आलमीन का मतलब इस दुनिया को एक रब ने बनाया है और उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, आप ही के द्वारा लाया गया ये कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से मोदी को भी वही लाया है, योगी को भी वही लाया है, ट्रंप को भी वही लाया है। तो जब इतनी चीज़ें, या तो आप कुरान मानना छोड़ दो, या तो ये बात भी एक्सेप्ट कर लो और मोदी से नफरत करना छोड़ दो, मोदी से डरना छोड़ दो, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ इस 5 साल के कार्यकाल में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है मोदी गवर्नमेंट के थ्रू जिससे मुसलमानों को खतरा ना। मानो तो भारत के मुसलमानों से पर्सनली पूछ लो, गली गली जाके इन्फ्लुएंस में आके, अगर वो किसी के कह दे जैसे ओवैसी के कोई फॉलोअर्स हों तो वो जो बोलता है ओवैसी के फॉलोअर बोलेंगे, लेकिन आप किसी न्यूट्रल मुसलमान से कहीं भी गाँव वाँव शहर में किसी को उठा के पूछ लो, कोई कोई कुछ नहीं कहता कि हम अनसेफ हैं, लेकिन जब प्रोपोगंडा फैलाया जाता है तो फिर पूरी मुसलमान कम्युनिटी ही अनसेफ हो जाती है। तो जो अनसेफ है एक्चुअली में, मतलब मैं अगर अनसेफ हूँ इस शहर में तो मैं शहर चेंज कर दूंगा, आप अगर अनसेफ हो इस देश में तो आप वहाँ रहिए जहाँ आप सेफ हैं, कहिए तो आप एक ग्रुप बनाइए, सरकार के पास जाइए, आपके लिए प्राइवेट जेट प्रोवाइड कराएगी, आप जहाँ जाएंगे आपको वहाँ ड्रॉप करके आ जाएगी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आपको सेफ्टी में, मोदी सरकार आपकी सेफ्टी के लिए ये भी कर सकती है, तो आप रिक्वेस्ट करिए। खैर अदरवाइज कोई ना ले, क्योंकि जो बातें इतनी है, मतलब इसके पीछे कोई हिडन मीनिंग नहीं है, जो है यही है, इससे ज़्यादा खुल के मैं क्या बोलूँ।
अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।